तो यस लास्ट सर क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या, और सबने बहुत अच्छे से लिख करके मैसेज किया है ना। और लास्ट लेक्चर में हमने ये प्रॉमिस किया था कि सपोज साइन 90 डिग्री से ज्यादा है, 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 150 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ये हम सीखेंगे। ये लास्ट लेक्चर में हमने साइन हिंट दिया था ना बच्चों, तो आज हम लोग वही सीखने वाले हैं। और जहां नहीं समझ में आए और जब कुछ पूछना हो तभी अनम्यूट करना। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का कंसेप्ट, सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ये देख लिया बच्चों। यहाँ पे 0 डिग्री लिया, ये 90 डिग्री लिया था, ये जो था वो 180 डिग्री और ये 270 डिग्री। हमने ये सीखा था लास्ट लेक्चर में बच्चों कि यहाँ पे सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या है, ऑल पॉजिटिव। पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो था वो पॉजिटिव था, रेस्ट आर निगेटिव। और कैसे आया था तो मैंने कहा था कि सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, ये एंगल है, सो वाई एक्सिस पॉजिटिव है, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस पॉजिटिव, कॉस निगेटिव हो जाएगा, टैन दिस बाय दिस निगेटिव हो जाएगा। इसमें कौन निगेटिव पॉजिटिव था, टेन टेन छोड़ के सब टेन नेगेटिव। हाँ, और इसमें कॉस जो था ये साइन कॉस 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 पॉजिटिव था, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर एंगल है तो। आई होप कि इतना तुम लोगों को समझ में आ गया होगा और हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। यहां तक मैं किसी को दिक्कत सर। ना आना बच्चों। सर हाँ बोलो बोलो सलीम। सर सर हमने जैसे लिया कि परपेंडिकुलर जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग लिया जाता है सर, सर तो हम उसका वैल्यू नेगेटिव क्यों लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला से देखा तो वो भी पॉजिटिव आता है। देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, नहीं डिस्टेंस फॉर्मूला से ऐसे तो कहोगे ये भी डिस्टेंस है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है ना। अभी हमने कहा यस कि सर सपोज हम ओरिजिन लिए हैं और ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, सॉरी माइनस एक्स एक्सिस माइनस वाई एक्सिस, ठीक है। सो ये रेफरेंस लिया बच्चों, ये यहां से अगर सपोज ये एंगल है, ये सपोज एक रेडियस एक कॉन्स्टेंट ले लिया, अगर ये थीटा 0 से 90 के बीच में है तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, ये सॉरी हाँ ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है। और जैसे जैसे थीटा बढ़ाते जाओ वैसे वैसे क्या होगा कि ये बेस कम हो रहा है, कम हो रहा है, 0 हो रहा है, एंड देन इधर जब आएंगे तो फिर बेस निगेटिव हो रहा है। एम आई राइट? यस सर यस सर परपेंडिकुलर जो है वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है, फिर घटना शुरू हो जाएगा, एंड देन फिर परपेंडिकुलर घटते 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 जब 180 पे जाएंगे तो 0 हो जाएगा, एंड देन और नीचे जाएंगे तो परपेंडिकुलर निगेटिव, बेस भी निगेटिव। माय राइट? यस ऑल्दो कोई पूछा जाए तो ये यस सर पॉजिटिव, ऐसे डिस्टेंस लेंगे तो सब पॉजिटिव है डिस्टेंस, बट हम कन्वेंशन यहां से स्टार्ट करें, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव। तो बच्चों आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव है। और लास्ट लेक्चर में मैंने साइन थीटा वाला पार्ट बताया था, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये बता दिया है क्या फर्स्ट लेक्चर में, यस साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा सर बता साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हमने डिराइव किया था। ठीक है। और अभिजीत ने मुझसे, सॉरी जयदीप ने मुझसे पूछा है कि सर मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने ये पढ़ा दिया क्या। व्हेन थीटा इज स्मॉल, क्या ये लिखा था बच्चों, ये पढ़ाया क्या? नो सर ठीक है, तो ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा। तो जयदीप तुम्हारे सवाल का आंसर मैं बाद में दे दूंगा, है ना।
हमने पढ़ा था। ये हमने पढ़ा था। यहां से बच्चों आगे बढ़ रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होगा बच्चों लॉजिक में बताऊंगा, वो लॉजिक समझना। तुम्हारे मन में अब सवाल ही आ रहा होगा कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है क्या, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, है ना? 90 डिग्री माइनस थीटा का हमने पढ़ा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया बच्चों, कॉस थीटा। अब समझना, एक ऐसे सोच लो ऐसे फॉर्मूले में कि मान लो थीटा कुछ वैल्यू है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, सपोज 30 डिग्री वैल्यू है, अपने मन में ऐसे सोच थीटा क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक वैल्यू, तो साइन थीटा या कॉस थीटा या टैन थीटा क्या होने वाला है, पॉजिटिव या निगेटिव? तो अभी ये मान लेते हैं, हम एजम्पशन ले लेते हैं कि थीटा कुछ है, हालांकि ये फॉर्मूला जो भी डिराइव करेंगे वो सबके लिए वैलिड होगा, बट समझने के लिए अभी थीटा को हम एक फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल 30 डिग्री 40 डिग्री 10 डिग्री काइंड ऑफ थिंग मान लिया। सो नाउ लुक एट हियर, 90 डिग्री प्लस थीटा ये किस क्वाड्रेंट का एंगल होगा? सेकंड क्वाड्रेंट। 90 डिग्री तो थोड़ा ज्यादा, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव या निगेटिव? ध्यान से सुनना बच्चों लॉजिक, दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, साइन 90 में देखो कुछ किया है तो साइन का हो गया है कॉस, तो यहां भी लिख लेंगे कॉस, कॉस थीटा। अब हमें सिर्फ डिसाइड करना है कि यहां प्लस लिखना है कि यहां माइनस लिखना है, ये क्वांटिटी, ये तो पॉजिटिव है बच्चों, ये पॉजिटिव है, अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो यहां पॉजिटिव लिखेंगे, ये क्वांटिटी अगर निगेटिव है तो यहां निगेटिव लिखेंगे। बच्चों बताना साइन 90 प्लस थीटा, दिस इज ए सेकेंड, तो अभी थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, तुम्हारे सवाल के जवाब दे रहा हूं मैं, आ रहा हूं तुम्हारे बात के, पहले मैं ये समझते हैं यहाँ पे जो लिख रहे हैं साइन, बस एक मिनट लगेगा लॉजिक समझने में, 90 डिग्री प्लस थीटा, दिस इज एक एंगल ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन, और 90 में कुछ प्लस माइनस कर रहे तो साइन का हो जाता है कॉस। बस थोड़ा सा पेशेंस रखो बच्चों, अपने आप सारा क्लियर हो जाएगा। कैन वी राइट कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉस का क्या हो जाएगा बच्चों, साइन साइन थीटा साइन माइनस साइन थीटा। अब यहां बताना है कि क्वांटिटी पॉजिटिव होने वाला है या निगेटिव, दिस क्वांटिटी निगेटिव निगेटिव, और ये तो है पॉजिटिव, इक्वल लिखना है तो निगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? यस सर, माइनस। लॉजिक समझे क्या? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस दिस इज इन निगेटिव क्वांटिटी, सो दैट्स व्हाई माइनस ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा कुछ पॉजिटिव है बिकॉज थीटा हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल अज्यूम किया। इज इट क्लियर? अभी पेशेंस रखना है, वो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। बच्चों अभी मैं क्या कह रहा हूं कि साइन 90 में प्लस माइनस करूंगा तो साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस का हो जाएगा साइन, इनफैक्ट टैन का हो जाएगा कॉट, कॉट का हो जाएगा टैन, ऐसा होगा। मैं टैन और कॉट लिख भी नहीं रहा हूं, लिख लेंगे वो हो जाएगा, बिकॉज दोनों को डिवाइड कर देंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन का हो जाएगा कॉस, प्लस माइनस हमें डिसाइड करना है, और ये ऐसा समझाऊंगा कि पूरा जिंदगी तुम्हें याद रह जाएगा अगर ध्यान से सीख लिया तो। साइन का हो गया कॉस, प्लस माइनस डिसाइड करना है बच्चों,
ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, दैट्स व्हाई पॉजिटिव. कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, दैट्स व्हाई नेगेटिव. कॉस का हो गया साइन. अभी चीजें क्लियर होगी, जस्ट पेशेंस रखो. बच्चों आप बताना, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, कुछ मैं बता रहा हूं. अगर 90 में प्लस माइनस किया तो साइन का कॉस हो गया, लेकिन 180 में प्लस माइनस करोगे तो साइन का साइन और कॉस का कॉस रह जाएगा. ये मैं बता रहा हूं, ये समझा रहा हूं, क्योंकि डिटेल में बाद में मैथमेटिक्स में बताया जाएगा. तो साइन का क्या रह जाएगा बच्चों, साइन ही रह जाएगा. हमें डिसाइड करना है कि यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा. माइनस. ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है सर? ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है? थर्ड. सेकंड. सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट. सारे बच्चे एकदम ध्यान से सुना है. अभी डाउट पूछना है पहले ध्यान से सुन लो. सेकंड क्वाड्रेंट तो दे देगी तो वो तो नेक्स्ट पे है. विवेक, विवेक म्यूट कर लो. विवेक म्यूट कर लो. सॉरी सर. नहीं, आपस में जहाँ पे तुम क्लास कर रहे हो बच्चों, पेरेंट्स को बोलो वहां से दूर रहे थोड़ा सा. ओके सर, थैंक यू सर. ओके तो बच्चों ये बताओ, क्या थीटा मैंने क्या कहा? फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई एंगल ले लो, 30 डिग्री, 40 डिग्री. ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है? सेकंड. ये साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होने वाला है बच्चों? नेगेटिव हो जाएगा. देखो अब तुम्हारा मन कहेगा बोलने का, यहाँ साइन माइनस कॉस थीटा. मुझे लगता है 50% समझ में आ गया तुझे, है ना? यस सर. अब लॉजिक समझ कर देखना, तुम खुद फॉर्मूला डिराइव कर लोगे बच्चों और खुद कभी नहीं भूलोगे. जस्ट की पेशेंस बच्चों. मुझे बताना, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा. सबसे पहले बताओ यहाँ साइन लिखूं या कॉस लिखूं? साइन थीटा. साइन थीटा. अब मुझे डिसाइड करना है प्लस लिखूं कि माइनस लिखूं. नेगेटिव. माइनस. माइनस. मतलब जितने बच्चों ने बता रहे आंसर कर रहे उनको 100% समझ में आ रहा है, गारंटी. सबने कहा माइनस. जिसको नहीं समझ में आ रहा वो डोंट वरी, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं. दिस इज एंगल ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट में होता है निगेटिव. और साइन 180 में जब डील करते हैं तो साइन का साइन. साइन. तो साइन नेगेटिव हो जाए. नेगेटिव है इसलिए माइनस साइन लिख दिया. और देखते हैं बच्चों कितने बच्चों को समझ में आया. कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा कौन क्या बताता है? नेगेटिव कॉस माइनस कॉस थीटा. माइनस कॉस थीटा. माइनस कॉस थीटा. पहले ये कॉस लिखूं या साइन? पहले ये कंफर्म कर दो. कॉस लिखो. कॉस. अब बताना कॉस कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव. 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 अच्छा देखते हैं बच्चों सही में समझ में आ रहा है कि नहीं तुझे. देखो पता चलता है टैन 180 डिग्री प्लस थीटा, टैन का टैन रह जाएगा पॉजिटिव टैन. पॉजिटिव टैन. नेगेटिव. नेगेटिव टैन. पॉजिटिव टैन. पॉजिटिव. पॉजिटिव टैन. मतलब मुझे लग रहा है कि 10-12 बच्चों को समझ में आ रहा है. आ रहा है क्या? yes, sir. बच्चों देखो थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिकॉर्ड भी फिर से कर लेता हूँ.
अच्छा देखो अभी ऐसे थीटा लिया है ना, थीटा कुछ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव है, ये तो हमने लिख लिया है ना। अब हम लिखना चाह रहे हैं साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। अब मैं क्या कह रहा हूं कि थीटा मान लो कोई एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, कोई भी एंगल एज्यूम कर सकते। चलो मैं कहता हूं तो मान लो कि थीटा मैं अभी ले रहा हूं 30 डिग्री, ठीक है। अब बताना ये 90 डिग्री प्लस थीटा, 30 लो चाहे 40 लो डजंट मैटर, मैं सिर्फ पूछूं कि ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है। सेकंड कुछ ऐड किया ना तो 90 से तो ज्यादा ही है ना। यस सर। तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है क्या? कोई भी बच्चा अभी बैठा है जिसको ये नहीं क्लियर हो रहा है कि ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, एनीवन? तो फिर मैं और एक्सप्लेन करूंगा, मतलब मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर और आगे नहीं बढ़ा बताऊंगा। यस सर। सर सिरोड़े सर, वो अगर थीटा की जगह जीरो होता तो? अरे यार कितना परेशान करोगे, मैंने कहा है कोई एंगल मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट का, अब कोई एंगल जीरो ले लोगे, 90 ले लोगे तो जीरो लोगे तो 90 यहाँ पे रहेगा, अब 1 डिग्री लो 2 डिग्री लो कुछ ले लो, है ना? सर 90 से बड़ा नहीं हो सकता। यस फर्स्ट क्वाड्रेंट का लेने के लिए बोल रहा हूँ, कितनी बार बोलूं मैं? नहीं सर वो समझा, पर अगर 90 से बड़ा होगा तो ऐसा 90 से बड़ा होगा तो भी हमारा वो फॉर्मूला वैलिड रहेगा, वो इनवैलिड नहीं होगा, लेकिन वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के जगह पे दूसरे क्वाड्रेंट में चला जाएगा, अपना फॉर्मूला वैलिड होगा। लिसन मी, बट अभी हम समझने के लिए मान रहे हैं कि थीटा ले लो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट का जगह कुछ और भी रहेगा, स्टिल वी विल डिराइव द फॉर्मूला दैट विल रिमेन वैलिड, ठीक। तो बताओ अभी 90 डिग्री प्लस थीटा, अब स्ट्रिक्टली मैं कह रहा हूं थीटा क्या लेना है 30 डिग्री, डोंट टेक एनीथिंग एल्स। व्हाट इज 90 डिग्री प्लस थीटा, किस क्वाड्रेंट का है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। अब बताना साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऐसे लिखते हैं कॉस कर देंगे, साइन क्या हो जाता है कॉस, तो कॉस थीटा, मैंने थीटा क्या कहा लेने के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का 30 डिग्री, कॉस 30 होगा पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, कॉस थीटा अगर ये पॉजिटिव है और ये तो पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव रखेंगे ना। अब सुनना, यस सर, अब सुनना बच्चों एकदम ध्यान से, 90 डिग्री प्लस थीटा, this sir, is second quadrant angle minus sign. Yes sir, this sir, is second quadrant angle, second quadrant, second quadrant mein cos theta negative ho jayega, upar cos second quadrant mein negative, negative to so, cos ka kya ho jayega? फर्स्ट वन थिंग आई विल क्लियर, थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल है? चल के भाई थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, क्लियर? अब एक दिमाग में बैठा लो, लिख लो नोटबुक में, थीटा भी क्या ले रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, सो इसे डेरिवेट करना है। ओके चलो अब मैं बात कर रहा हूं ये किस क्वाड्रेंट का एंगल होगा? सेकंड क्वाड्रेंट। एकदम ध्यान से, कुछ बच्चे ना सिर्फ सवाल पूछने के लिए बैठते हैं क्लास में, डोंट सिट, हमें सवाल पूछना है, पहले हमें सुनना है समझना है, ओके
देन आस्क क्वेश्चन. ऐसा नहीं जस्ट कुछ हुआ तुरंत पूछना, फर्स्ट लिसन फर्स्ट. बिना सब सुने हुए बहुत बच्चे सवाल पूछते हैं, डोंट नॉट मेक दैट टाइप ऑफ हैबिट. पूछना है, क्लियर करना है. दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल. साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? साइन का कॉस हो जाता है कॉस, लिख लिया. चूंकि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव होगा. और मैं बार बार बोल रहा हूँ, लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, अदरवाइज नहीं बोलूंगा. कॉस थीटा साइन थीटा टैन थीटा सब पॉजिटिव है. क्यों पॉजिटिव है सर? क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल से. थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है. अब समझ में आया होगा, अब समझ में आया होगा तुझे. आयुष सिरोड़े, यस सर, थीटा क्वाड्रेंट का एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट का. फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, यस सर. तो ये जो लिख रहे हैं ये तो पॉजिटिव ही है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे प्लस साइन. यहाँ पे बताओ कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में एकदम 100% समझ में आना चाहिए. 100% नेगेटिव. नेगेटिव नेगेटिव कॉस सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव. ये तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है जो तुम लोग बार बार पूछ रहे थे. चल के म्यूट कर लो पहले. हाँ सर, समझ गया. ये पॉजिटिव है, यहाँ माइनस साइन. क्या अभी भी समझ में नहीं आया क्या? समझ गया सर. कॉस सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा इसलिए साइन नेगेटिव हो गया. साइन नेगेटिव नहीं हो गया, ये क्वांटिटी नेगेटिव है. इतना इज इक्वल टू जो भी लिखा है, ये क्वांटिटी पूरा नेगेटिव होना चाहिए. ये पॉजिटिव है इसलिए माइनस साइन. सर मतलब पहले साइन का कॉस हो जाता तो कर लेना चाहिए, और फिर जो LHS का साइन है वो लगाना है. एकदम सही, अभी एकदम सही बताया. अब सुनना है यहाँ पे. एक्सक्यूज मी सर, अभी पहले सुन लो, उसके बाद सलील पहले सुन लो. यहाँ पे साइन ओके सर 180 डिग्री प्लस थीटा, सॉरी माइनस थीटा. फर्स्ट लिसन दिस, उसके बाद जब मैं बता रहा हूँ सुन लो, उसके बाद पूछना. साइन 180 माइनस थीटा, दिस इज एंगल इन फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट. ये ओवरऑल क्या होने वाला है? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव. और साइन का क्या रहेगा? साइन पॉजिटिव. साइन का क्या रहेगा? पॉजिटिव. 180 में का राउंड मैंने बताया ना, 180 में क्या रहेगा साइन का? साइन. हाँ सर. यस सर. पहले ये तो कंफर्म करो, 90 के साथ डील करेंगे तो साइन का कॉस हो जाएगा, 180 के साथ डील करेंगे तो साइन का साइन रहेगा. पहले ये कंफर्म, दोबारा मत भूलना. यस सर. यस सर. समझ गए. 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट का है, साइन पॉजिटिव होता है तो ये प्लस साइन थीटा. Yes. Cos 180 degree minus theta. सबसे पहले मुझे बताओ कि मैं क्या लिखूं, cos theta लिखूं कि sin theta लिखूं? Cos theta. Cos theta. Cos theta. अब ये cos second quadrant में क्या होता है? Negative. 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 Yes. Yes, sir. इसके ये क्या है? पॉजिटिव क्वान्टिटी है. क्यों पॉजिटिव है? मैंने 5 बार बता चुका हूँ. बट ये निगेटिव हो सकता है, तो क्या करेंगे? निगेटिव. अब मुझे लगता है 10-20% तुम्हें समझ में आ गया. आ गया 15%, 20%, कितना आया? 100%. अभी ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं सबको डाउट पूछने लिखाऊंगा. सो अभी एकदम साइलेंटली सुनते रहना. 180 डिग्री प्लस थीटा, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव. साइन का क्या रहेगा? साइन. साइन और नेगेटिव होता है इसलिए माइनस. थर्ड क्वाड्रेंट में जो ट्रायंगल बनेगा उसमें हम एंगल कौन सा लेंगे जिससे हमें साइन और उनकी साइन पता चले? थर्ड क्वाड्रेंट सारा एंगल कहां से मेजर हो रहा है? यहां से. फर्स्ट
इतना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, इतना है तो सेकंड क्वाड्रेंट, इतना है तो थर्ड क्वाड्रेंट. नहीं अभी सर, उसका मतलब है कि परपेंडिकुलर क्या लेगी. यस सर, ऐसा है ना, मैंने समझाया था तो ऐसे क्यों साइन पॉजिटिव नेगेटिव था, ये ऑलरेडी पिछले क्लास में समझाया था. देखो अभी भी समझाते से मैंने ऐसे ड्रॉ किया था कि अगर इस क्वाड्रेंट में ये एंगल इतना है, देखो इतना, तो ये वाई पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव है, ये तो पॉजिटिव है हमेशा, लास्ट लेक्चर में सिखाया था. अगर थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है ऐसे है बच्चों, ऐसे ये परपेंडिकुलर, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये लास्ट लेक्चर में सिखाया था. शुड आई रिपीट? यस सर. बच्चों मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, फर्स्ट लेक्चर में ही जा रहा हूँ. अभी देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल दिख रहा है जीरो से लेके 90 के बीच में. सो ये एक्स पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, आर हमेशा पॉजिटिव लेना. So, sin theta, cos theta, tan theta, सब पॉजिटिव. तो यहां लिखा था ऑल पॉजिटिव. अगर सपोज एंगल ना ये रेडियस को ऐसे घुमा रहे हो, थीटा बढ़ा रहे हो, थीटा ऐसे गए बढ़ते बढ़ते 90 हो गया, और 90 से भी ज्यादा हो गया, इधर हो गया, ठीक है ना, ऐसे ऐसे यहां से ले रहे, ये रेफरेंस है, ऐसे हो गया, ऐसे यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. Exactly ये है बच्चों, तो ये कहलाएगा बेस और ये कहलाएगा परपेंडिकुलर. ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई. सो ये कितना एंगल है बच्चों, किस क्वाड्रेंट का एंगल? 90 प्लस थीटा, 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा, 90 से ज्यादा है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का, और 180 से कम है. तो जब सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होता है तो बेस हो जाता है निगेटिव, परपेंडिकुलर हो जाता है पॉजिटिव, और रेडियस तो हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि इतनी डार्ट लग गई अब तो नहीं भूलोगे. तो हम बात करते हैं साइन थीटा, साइन ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव. अगर हम कॉस की बात करेंगे, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव. टैन भी निगेटिव. बच्चों ये ना एंगल और रोटेट कर दिया, और ये एंगल को और बढ़ा दिया, बढ़ा दिया, बढ़ा दिया, बढ़ा दिया, 180 पहुंच गए. कहां पहुंच गए बच्चों? 180. 180 से भी थोड़ा आगे चला गया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया. ये एंगल पूरा देखना, जिसने भी डाउट पूछा था, जयदीप शायद पूछा था, ये एंगल व्हाट इज बेस? Negative. What is perpendicular? Negative. ये एंगल कितना है बच्चों? 180 plus something. Third quadrant का एंगल. Sin theta negative होगा because this is negative. Cos theta negative होगा because this is negative. और tan theta positive. Because ये भी negative, ये भी negative, तो ये positive. और ये बढ़ाते 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 यहाँ चले गए 180 से हो गया 270 से भी आगे चला गया फोर्थ क्वाड्रेंट में. बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, ये प्यार से मैंने समझाया था पिछले लेक्चर में, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पूरा एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट का. क्या पॉजिटिव होगा बच्चों? कॉस पॉजिटिव हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा? निगेटिव. टैन निगेटिव. क्या अभी भी डाउट है? अभी भी नहीं समझा? नो सर, क्लियर है. 100%? यस सर. यस 100%. सर हमारा परपेंडिकुलर हमेशा वाई एक्सिस से पैरेलल होगा. जी हाँ, परपेंडिकुलर हमेशा एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे. ठीक? यस सर. Anyway, हम लोग स्लो चले, बट इतना चले कि हमें 100% समझ में आना चाहिए, बिकॉज अभी हमारा मेन एम है स्लो ही चलना है, समझाना बहुत जरूरी है, ठीक है.
लेकिन बच्चों तुम्हें इफर्ट लगाना पड़ेगा, ओके, यू हैव टू पुट योर इफर्ट, यू हैव टू इंटरैक्ट, यू हैव टू आस्क, मतलब यू कैन आस्क डाउट्स, सर्टेनली पूछना ही चाहिए। तो मैं यहां कुछ फॉर्मूला लिख रहा था, फिर से लिख रहा हूं। इसलिए हमें लग रहा है कि मोमेंटम हम लूज कर चुके हैं, क्लास मोमेंटम जो बना था वो ब्रेक हो गया है, बट देखते हैं मोमेंटम बनता है, बनाते हैं फिर से। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा हो रहा है कि इस चीज को पढ़ाने में मुझे इतना टाइम लग रहा है, बच्चे बड़ा फटाफट आंसर करते हैं, मुझे लगा था इस बैच में बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं, बट आज थोड़ा मुझे गड़बड़ लग रहा है। साइन पता नहीं क्यों मैं नहीं अच्छा से पढ़ा रहा। आप अच्छे से पढ़ा रहे बहुत मजे से, बच्चे 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 कभी भूलते नहीं है, और फर्स्ट लेक्चर ही ऐसा हो गया, मुझे मजा नहीं आ रहा है। समझ रहा है सर, बहुत मजा आ रहा है। थीटा बच्चों ध्यान से सुनना, और अब इसके बाद दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है, समझ में आया चाहे ना, रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ बच्चों। साइन 90 में अगर डील करेंगे ना, 90 प्लस समथिंग माइनस, तो साइन का हो जाएगा कॉस, एकदम याद कर लो, कॉस का हो जाएगा साइन, टैन का हो जाएगा कॉट, कॉट का हो जाएगा टैन। अगर समझ में आए तो हाथ उठाओ, रेज करो हैंड, रेज यहाँ पे। 90 में प्लस माइनस करेंगे तो 17-18 बच्चों ने उठाया, 18-18 बच्चों ने, 20 40 का स्ट्रेंथ है, ओनली 22-23 अभी भी, 22-25 28 12 बच्चे अभी बचे हुए बच्चों। ये 12 बच्चे एक बार फिर से पूछो कि क्या दिक्कत है, मैं इसको रिकॉर्डिंग ऑफ कर। तुमने कहा साइन 90 प्लस थीटा जो होने वाला है वो होने वाला है कॉस थीटा, प्लस माइनस सिर्फ डिसाइड करना है। 90 प्लस थीटा बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। 180 में जब डील करेंगे ना तो साइन का हो जाएगा साइन, साइन पहले हम कंफर्म होता है साइन का, साइन लिखू या कॉस लिखू, क्या लिखू वो पहले क्लियर करते हैं। साइन लिखेंगे, अब हम प्लस लिखें कि माइनस, तो दिस क्वांटिटी इज व्हाट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, 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 100% क्लियर सबको? यस यस यस। जिसको नहीं क्लियर है अब ना मैं पूछूंगा, जिसको नहीं क्लियर है वो बताना, ठीक है ना, तो जिसको नहीं क्लियर है वो बताएगा। देखो मोमेंटम बनाना है बच्चों, बड़ा ब्रेक हो गया था, बनाना है मोमेंटम। देखो तुम लोग ही लिखोगे कॉस 180 माइनस थीटा, मैं पहले पूछ रहा हूं 180 में डील कर रहा है तो कॉस का कॉस यहां लिख दूं? यस सर। डिस्कस करना है कि प्लस साइन होगा कि माइनस साइन होगा, माइनस। क्या मैं यहाँ पे टिक कर दूंगी बच्चों, 100% ये समझ में आ गया, 100% ये समझ में आ गया? जिसको नहीं समझ में आया, जिसको नहीं समझ में आया माइक ऑन करके बोलो सर नहीं समझा।
चलो किसी ने नहीं बोला, आगे बढ़ते हैं। देखना बच्चों मैं चाह रहा हूँ, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि यहीं तक मैं बताऊंगा, आगे तुम्हें ही लिखना है, आगे तुम्हें ही लिखना है सारा फॉर्मूला। 180 डिग्री प्लस थीटा, यस सर। बच्चों साइन थीटा क्या लिखूं? माइनस साइन थीटा, 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 180 से कुछ प्लस है और थर्ड क्वाड्रेंट टाइम पॉजिटिव होता है बच्चों, साइन नेगेटिव होता है। सबने कहा माइनस, बहुत ही बढ़िया। अब देखो बच्चों एकदम सही ट्रैक पे जा रहे हो, मोमेंटम बन रहा है। 180 डिग्री प्लस थीटा नहीं बच्चों, तुम्हें रियली में समझ में आया कि नहीं, चेक करते हैं और थोड़ा अपना दिमाग पे लगाना है, एकदम सही से दिमाग लगाना बच्चों, गेस करना है। साइंस इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ लर्निंग, तो साइंस सिस्टम है, जरूरी कि हर चीज बताया जाए, एक पैटर्न बनता है। कैन यू गेस 270 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, और माइनस कॉस थीटा प्लस माइनस किया तो हो गया साइन का कॉस, 180 में प्लस माइनस किया तो साइन का साइन। अब बताओ 270 में करेंगे तो साइन का कॉस होगा कि साइन का साइन होगा? कॉस होगा, ना कि कॉस होगा, लिख देते हैं जो तुम्हारे दिल का वही होगा, कॉस थीटा। अब बताओ बच्चों मुझे, सॉरी अच्छा प्लस पहले माइनस में लिख लेता हूँ, है ना, माइनस वाला, ठीक है ना, एक एक करके चलते हैं। माइनस वाला लिख रहा हूँ, 270 माइनस थीटा, बताओ किस क्वाड्रेंट का एंगल है? थर्ड क्वाड्रेंट। तो साइन क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट का नेगेटिव, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव कॉस थीटा आएगा, नेगेटिव कॉस थीटा। अब मैं नहीं बता रहा बच्चों, ये तुम लोग ना खुद लिखोगे, 270 डिग्री माइनस थीटा पॉजिटिव साइन थीटा, पॉजिटिव साइन थीटा, एकदम पॉजिटिव नेगेटिव साइन थीटा, 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 नेगेटिव साइन थीटा। सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, सिर्फ एक नहीं, मैं इसको टिक करूंगा, समझ में आ गया या स्टिल किसी को डाउट है तो टिक करूं क्या तन्वी? यस सर टिक करो, यस सर, यस सर, सबको अब नेक्स्ट फॉर्मूला भी क्या लिखेंगे तुम ही गेस करो यार, मैं नहीं लिख रहा, बताओ क्या लिखूंगा? देखो तुम लोग खुद फॉर्मूला बना रहे हो, देखो ये होता है साइंस, क्या लिखो बच्चों? माइनस कॉस नेगेटिव, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, बिकॉज़ ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है? फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट, फाइव क्वाड्रेंट, नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। देखना एकदम ये बताएगा कि रियली में तुम्हें समझ में आया कि नहीं, cos 270 डिग्री प्लस थीटा माइनस sin थीटा प्लस sin थीटा sin थीटा पॉजिटिव sin थीटा पॉजिटिव sin थीटा पॉजिटिव sin थीटा प्लस sin थीटा पॉजिटिव प्लस 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 sin थीटा, बहुत बढ़िया, जिसको पॉजिटिव लगा उसको मतलब समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया, मतलब अब मजा आया, मोमेंटम बन गया बच्चों, मोमेंटम बना क्या? समझ में आ गया? यस सर, बहुत ही बढ़िया, मजा आ जाएगा, आप देखो फिर से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, थोड़ा गड़बड़ मैंने पढ़ाया था, अब सही हो गया। चलो बच्चों, अच्छा बच्चों अब बताओ 270 कर लिया, 270 के बाद क्या करूं?
बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। और जो बच्चों को नहीं समझ में आया डोंट वरी, पूछ लो। ये देखते हैं, ये बता दिया तो दिल खुश हो जाएगा मेरा। प्लस साइन थीटा नहीं, प्लस कॉस थीटा। यार तुम लोग ब्रिलियंट है यार, मैं बेकार में गुस्सा कर लिया है। तुम लोग तो बहुत बढ़िया सही जवाब दे दिया। चलो स्टिल मैं मौका दे रहा हूँ। लो बच्चों तुम्हें इसको भी टिक कर रहा हूँ। ये सारे फॉर्मूले लिख लिए। क्या तुम्हें अभी कहा जाए कि पेज दूसरा पलटो और ये सारा फॉर्मूला खुद से बनाओ और खुद से लिखो। कैन यू डू दिस? यस सर। 90 से स्टार्ट करना है और पूरा लिखते जाना है एकदम सिस्टमैटिक। पहले 90 माइनस थीटा, फिर क्या लिखना है 90 प्लस थीटा, फिर 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, देन झट्टा मारना है क्या? 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। क्या झट्टा मारना है या सब समझ याद हो गया? याद हो गया, याद हो गया, समझ गया। तो एक काम करो, ये रहा घर में आज होमवर्क। क्लास के बाद जब सोने जाओगे ना, खाना खा लिया उसके बाद ऐसे पहले इधर का सब फॉर्मूला लिख लेना, कैसे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 जो भी इधर वाला, और बाद में इसको फिल करना। सो आज 5 मिनट का ये काम है होमवर्क, ठीक है? रफ पेज में लिखना है। सर। और रफ पेज में खाना खाने के बाद सोने जाने से पहले ये लिखना और मुझे फोटो उसी समय भेजना। ओके, दिस इज योर होमवर्क। ओके सर, रिपीट कर सकते क्या होमवर्क क्या था? अरे होमवर्क बहुत ही सिंपल था। एक पेज में सबसे पहले जब आज सोने जाओगे उससे पहले ऐसे बनाना है, कॉलम बनाना है। इधर लिखना है साइन 90 माइनस थीटा, फिर लिखना है कॉस 190 माइनस थीटा, फिर लिखना है साइन 90 प्लस थीटा, फिर लिखना है कॉस 90 प्लस थीटा, फिर लिखना है साइन 180 माइनस थीटा। रुक जाओ कि और लिखूं? रुक जाओ, ऐसे सारा इधर लिख लेना और बाद में इधर पुट करना। यस सर, यस सर। मल्ली फाइनल का काम है, 3 मिनट इधर लिखने में, 2 मिनट इधर लिखने में, 5 मिनट और फोटो खींच के भेजना। फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स हो जाएंगे। यस सर, एकदम सही बात है। अभी जस्ट नेक्स्ट वही स्टेप है बच्चों। यहाँ से चले थीटा, यहाँ से घूमते गए और वापस यहाँ पे आ गए, 360 आ गए। और अब और थोड़ा सा घूमे थीटा। बच्चों ये यहाँ से 360 घूम के आ गए तो वही आ गए ना, तो 360 डिग्री और प्लस थीटा इज इक्विवेलेंट टू थीटा। बात तो वही रहेगी। अब कोई आदमी यहाँ है तो इसको थोड़ी पता है कि घूम के आया है या यहीं पे। प्लस थीटा इज इक्विवेलेंट टू थीटा, है ना? Yes. अब कहोगे कि सर 2 × 360 डिग्री मतलब 720 डिग्री प्लस थीटा। कैन यू गेस क्या होगा ये? साइन थीटा, है ना? मतलब कहने का मतलब साइन हो या कॉस हो, एन इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा जो होगा वो साइन थीटा होगा। कॉस एन इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा जो होगा वो कॉस थीटा। एन क्या है? इंटीजर, एनी नंबर।
एनी इंटीजर, एनी इंटीजर, इंटीजर बच्चों, फ्रैक्शन नहीं। ओके बच्चों यहाँ तक क्लियर? यस सर। सर एक डाउट था। हाँ बोलो निर्मित। सर एन इंटीजर है तो फिर माइनस में भी हो जाएगा, तो एन शुड बी नेचुरल नंबर ना। माइनस भी लिखोगे तो भी बात बराबर ही रहेगी, है ना? ओके सर। सर ये भी एक डाउट है सर। माइनस भी लिखोगे तो भी बात बराबर रहेगी। रीजन इज कि कोई कहे माइनस थ्री डिग्री 360 प्लस थीटा। माइनस का मतलब हुआ बच्चों कि यहां से ना इधर नहीं घूम करके इधर घूमा ऐसे। तो अगर कोई ऐसे चल के एक राउंड कंप्लीट किया और थीटा उछला, किसी ने ऐसे चला है वन राउंड कंप्लीट किया माइनस 360 डिग्री इधर से ऐसे आया और फिर प्लस थीटा फिर इधर गया, तो बात बराबर ही है ना सर? वहीं पे कट हो जाएगा 360 का मतलब। यस सर। यस सर। सर मतलब कि हम अगर थीटा नेगेटिव थीटा लेंगे तो क्लॉकवाइज घूमेगा ना कार्टेशियन प्लेन पे? यस नेगेटिव थीटा लेंगे तो क्लॉकवाइज। सर अब उसी पे आ रहा है बच्चों, अब एकदम ध्यान से सुनना। अगर मैं पूछूं कि साइन माइनस थीटा, थीटा क्या लेना है प्लस 30 डिग्री ऐसा था ना, तो साइन माइनस थीटा या माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल होगा? फर्स्ट या फोर्थ? दो ऑप्शन दे रहा हूँ। साइन थीटा लिखूं या माइनस साइन थीटा लिखूं? माइनस दोनों चलेगा, दोनों चलेगा। माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा। तो मैंने फर्स्ट साइन थीटा सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? नेगेटिव माइनस ना। अब देखते हैं कि तुम लोगों को रियली में आज समझ में आया है क्या। कॉस माइनस थीटा क्या लिखूं, प्लस कॉस थीटा या माइनस कॉस थीटा? प्लस कॉस थीटा। प्लस लिखें, प्लस ना? यस सर। क्योंकि माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट का? फोर्थ। और कॉस फोर्थ में क्या होता है? जितने फॉर्मूले अभी पढ़े हैं वो सब याद हो गए क्या? कि दो चार दिन लगेंगे याद करने में? सर ये वाला नहीं समझा। हो गए कनिष्क भाव सर, बताओ कौन सा नहीं समझा? साइन माइनस थीटा वो वाले नहीं समझे सर। हाँ अगर मैं इधर जा रहा हूँ ना तो ये पॉजिटिव ऐसे रोटेट कर रहा हूँ तो ये प्लस थीटा होगा, अगर माइनस का है तो इधर जाऊंगा माइनस थीटा का मतलब ये डायरेक्शन। तो साइन माइनस थीटा का मतलब ये हो गया माइनस थीटा, है ना? तो अभी अगर इधर हूं तो किस क्वाड्रेंट में हूं तनिष्क? फोर्थ सर। तो साइन माइनस थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव। और थीटा तो मैंने बहुत प्यार से बताया था, डांट भी लगाया है, थीटा किसका क्या लेना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का ले लिया। यस आई बात समझ में सर? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सलील बोलो सर। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि अगर हम थीटा को 90 डिग्री के इवन मल्टीपल से सबट्रैक्ट करेंगे ऐड करेंगे तो रेशियो चेंज नहीं होगा, और अगर ऑड मल्टीपल से ऐड करेंगे या सबट्रैक्ट करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो में चेंज होगा? एकदम सही सीखा, यही तो करवा रहे हैं, यही तो करवा रहे हैं। लेकिन इतना लैंग्वेज में बोलेंगे क्या होगा कि बच्चे बहुत ज्यादा नहीं समझेंगे, इसलिए मैंने क्या किया एक पैटर्न बना के दिखाया। 90 में किया तो चेंज हुआ, उल्टा हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री हुआ। 180 में करेंगे तो क्या होगा? चेंज नहीं होगा, है ना? और 90 और 180 बता दिया, तो देखो तुम ही लोगों ने सबने बता दिया कि सर 270 में क्या होगा, मैंने बताया था, तुम ही लोगों ने बताया ना, क्योंकि तुम्हें समझ में आया, दैट्स व्हाई तुमने कहा। फिर 270 में समझ में आ गया साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन। 360 में क्या होगा? साइन का साइन रह जाएगा। इज इट क्लियर?
सो यू हैव यस सर तो कैच किया तूने उस चीज को जो पैटर्न बना था उसको तुमने ही रियलाइज किया है ना और यही चीज करना है बच्चों यही साइंस है समझना साइंस इज जस्ट सिस्टमैटिक वे ऑफ लर्निंग सिस्टम है बच्चों है ना समझा क्या इस बात को मैंने क्या बोला रिपीट करो अपने मन में साइंस इज जस्ट सिस्टमैटिक वे ऑफ लर्निंग हमेशा एक सिस्टम होगा बच्चों हमेशा एक पैटर्न होगा हमेशा एक सिमेट्री होगा साइंस में यूनिवर्स में एक सिमेट्री है इन एवरी फॉर्मूला यू विल फाइंड सम काइंड ऑफ सिमेट्री और ऑन द बेस ऑफ सिमेट्री तुम बहुत सारे सवाल का जवाब दे सकते हो बहुत सारे फॉर्मूला कुछ भूल जाओगे ना तो मैं बताऊंगा तुम्हें बीच बीच में समझाऊंगा कि लुक एट द सिमेट्री सिमेट्री का मतलब समझाऊंगा कुछ फॉर्मूले में है ना आगे भी बताऊंगा मैं वर्ड याद रखना है सर ने कहा कि सिमेट्री होना चाहिए फॉर्मूला में एवरीवेयर इज द सिमेट्री ये चीज तुम्हें सीखने को मिलेगा मैं टाइम के साथ बताऊंगा तो बच्चों अभी हमने कुछ फॉर्मूला डिस्कस किया फिर कहोगे सर ये फॉर्मूला डिस्कस करने से फायदा क्या हुआ हमने रट्टा मार लिया 90 डिग्री प्लस थीटा कुछ होता है ये होता है उससे क्या फायदा है ना बच्चों तो अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़े उसके एप्लीकेशन पार्ट पढ़ने वाले हैं और तुम लोग रेडी हो सारे फॉर्मूले के साथ सारा फॉर्मूला याद है यस सर ठीक है तो आगे बढ़ते हैं जवाब देना है तुम्हें है ना मैंने पूछा बच्चों मैं एक सवाल ले रहा हूं साइन 120 डिग्री ये निकालना है मैक्सिमम बच्चों को ये पहले से नहीं पता था लेकिन आज तुम लोग आंसर करोगे मैं एक सॉल्व करता हूं बाकी तुम लोग करोगे बच्चों ये साइन 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं क्या 90 डिग्री प्लस 3/2 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री 30 यस सर और साइन 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला तो हमें पता है बच्चों प्लस साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा है ना कॉस 30 डिग्री आवाज आवाज तो उसे बहुत ज्यादा आती है शायद कुछ गड़बड़ी होगा हाँ सो बच्चों यहाँ पे तुम लोग सिर्फ समझो कि हाँ सर ये सही लिखे साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा प्लस ही होगा और कॉस 30 तो हमने पता है तो बच्चों मैं कॉन्फिडेंस के साथ बता सकता हूँ कि साइन 120 डिग्री जो होगा वो रूट 3/2 होगा यस सर यस सर अब मान लो निर्मित को लगा होगा निर्मित शायद पूछना चाह रहा है कि सर मुझे मन कर रहा है 180 डिग्री को 160 डिग्री सॉरी 120 को 180 माइनस 60 डिग्री लिख लेता क्या मैं उसको मना कर सकता हूं नहीं भाई सही है इसको 90 प्लस 30 किसी ने लिखा और किसी ने 180 माइनस 60 लिखा दोनों सही है तो अगर कोई ऐसे प्रोसीड किया तो क्या लिखेगा बच्चों इसको साइन 60 साइन 60 प्लस ना प्लस प्लस साइन 60 यस सर साइन कितना होता है रूट 3/2 तो बच्चों भाई ये मान लो कि साइन 120 डिग्री कितना होगा अगर तुझसे कोई बच्चा तुम्हारा कोई दोस्त पूछा कि यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि साइन 120 डिग्री का कैसे वैल्यू निकालो क्या तुम उसको कन्विंस करा दोगे कि हाँ इसका वैल्यू इतना होगा यस सर यस सर बच्चों तुम लोग ऐसे भी समझो कि कुछ चीजें तुझे समझ में आया कि नहीं आया ना वो तब सबसे ज्यादा अच्छे से क्लियर होता है क्या तुम किसी को वो चीज समझा सकते हो क्या तुमसे कोई पूछे तुम उसको नहीं ऐसा ही होगा उसके उसने कुछ सवाल उस पे पूछे तो वो जवाब तुम दे पाओ
तभी तुम उसको रियली में उस कंसेप्ट को तुम रियली में समझो। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस बार, देखता हूं मैं कौन बच्चा इसको सॉल्व करता है। cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री क्या लिखे हैं? 1/2 -1/2 -1/2 -1/2 एकदम समझ के सारे बच्चे, दूसरे बच्चों के आंसर से मत जाओ, खुद से जाओ। अर्पिता निकाल नेगेटिव आंसर -1/2 -1/2 -1/2 cos 120 बच्चों cos 180 डिग्री -1/2 ये हो जाएगा बच्चों cos 180 -थीटा। देखना याद करके देख लो, cos का cos -60 cos 60 half होता है -1/2 क्लियर? यस सर, यस सर, यस सर। देखते हैं इस बार कौन बताता है। साइन 210 डिग्री, यार ये कैसे निकाले साइन 210 डिग्री, किसका दिमाग चलता है? जो भी लिखो, कोई भी लिख लो, बात बराबर है। 180 + 30 लिख लिया तो भी चलेगा, और साइन का साइन रह जाएगा साइन डिग्री, प्लस लिखो कि माइनस? माइनस। आप बच्चों क्या मैं टिक कर दूं ये कि हाँ तुम लोगों ने खुद से सॉल्व किया है, मेरी जरूरत नहीं पड़ी? यस सर लॉक कर सर, है ना? Are you ready for the next questions, बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Cos 300 degree, कौन पहले बताता है? Cos 300 degree. Root 3 by 2, sir. Cos 300 को क्या लिखूं? Cos 270 + 30 -60 ये हो जाएगा cos 60, cos का cos, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में इसलिए प्लस, हो जाएगा √3/2। बच्चों क्या ये सबको समझ में आया? Yes, sir. मैं बिना पूछे टिक कर दिया, क्या मेरा कॉन्फिडेंस सही है? Yes, sir. बहुत बढ़िया, आई थिंक बच्चों मोमेंटम बन गया और तुम लोगों ने कुछ सीखा आज। कुछ नया सीखा क्या आज? Yes, sir. हर दिन सोचो कि हमने कुछ नया सीखा। बहुत बढ़िया, cos 60 हाफ होता है, सॉरी cos 60 क्या होगा? हाफ, है ना? यहाँ तक सही है, cos 60 ना प्लस हाफ। सर हाँ बोलो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, बोलो, बोलो। सर हम उसे 270 प्लस 30 लेंगे तो cos 30 √3/2 आएगा ना? नहीं, cos 270 प्लस 30 जब लेंगे तो 270 में cos का क्या हो जाएगा? sin 30 लेंगे, sin theta, तो साइन 30 हो जाएगा, इज इट? यस सर। अभी 100% क्लियर? यस सर। बच्चों मैं 2-3 वैल्यू लिखता हूं और तुमने फटाफट आंसर करना है ना।
बच्चों देखते हैं, पांच लिखते हैं आप, पांच में कितने सही तुम लोगों ने किए उससे मैं जज करता हूँ, ठीक है ना? और ईमानदारी से बताना पांच में कितने पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है ना? साइन 135 डिग्री, कॉस 150 डिग्री, टाइम 210 डिग्री, साइन 225 डिग्री, कॉस 240 डिग्री। एक सवाल, दो सवाल, तीन, चार और पांच। बच्चों एकदम तुम्हारे पास दो मिनट का टाइम है, फटाफट इसका आंसर लिखना है कॉन्फिडेंस के साथ, एक बार चेक कर लेना है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो बच्चों टाइम हो गया, अब देखते हैं साइन 135 क्या लिख सकते हैं बच्चों। करेक्ट आंसर एकदम सही, तो बच्चों टिक कर लो जिसने करेक्ट किया है। इसको क्या लिखेंगे? माइनस रूट थ्री बाई टू, माइनस कॉस 30, तो ये हो जाएगा माइनस रूट थ्री बाई टू। बच्चों जिसने सही लिखा वो टिक कर ले, जिसने गलत लिखा वो कट कर ले, और जिसने गलत किया वो पूछ ले कि अगर डाउट है तो। मैं आगे बढ़ू इससे? यस सर, यस सर। कितने मार्क्स आए हैं ना? प्लस वन माइनस वन का है, नहीं सॉरी प्लस वन जीरो, माइनस वन का नहीं, प्लस वन जीरो। चलो टाइम 210 डिग्री, तो देखो यहाँ पे वन बाय चेक कर लो, तीन सवाल हो गए। 225 को क्या लिखे? नेगेटिव वन बाय रूट टू, नेगेटिव वन बाय रूट टू, नेगेटिव वन बाय रूट टू। बहुत ही बढ़िया, माइनस वन बाय रूट 45। देखो बच्चों मैं सॉल्व कर रहा हूँ, माइनस वन बाय रूट टू। तुम लोग एकदम सब लोग सही सही आंसर बता रहे हो, मुझे लग रहा है बहुत सारे बच्चे होंगे जिसको पांच में से पांच आ जाएगा। कॉस 240, 240 को क्या लिखेंगे? माइनस वन बाय टू, माइनस माइनस वन बाय टू, माइनस वन बाय टू, कॉस माइनस वन बाय टू। 240 डिग्री को दो तरीके है बच्चों, 180 प्लस 60 लिख सकते हो या 270 प्लस 60 लिख, 270 माइनस 30 लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो। 180 प्लस 60 लिखा, कॉस का कॉस तो जाएगा कॉस 60, लेकिन ये किस क्वाड्रेंट का है? थर्ड, तो कॉस का नेगेटिव होगा तो माइनस कॉस 60, कॉस 60 होता है हाफ बच्चों, तो माइनस हाफ। बच्चों ये पांचों सवाल सॉल्व कर लिया, नाउ तुम लोग चेक कर लो कितने बच्चों ने क्या क्या सही किया है। बच्चों चेक कर लिया, पांच में से पांच कितने लोगों का है? सारे बच्चे हाथ उठाओ, हैंड रेज करो, कितने बच्चे पांच में से पांच आए? 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 17 क्या बात है, 18, 20, अरे तो मचा दे, धूम मचा दिया यार, मोर देन 50%, 21 लोगों को पांच में से पांच आया, क्या बात है, 21, 38 बच्चे मोर देन 50%, बहुत बढ़िया। देखते हैं सारे बच्चे, बाकी लोग अब हाथ नीचे कर लें। अब बच्चे वो हाथ उठाए जिनको पांच में से चार आया है, पांच में से चार कितने आगे लोगों का आया? दस बच्चों को, दैट मींस 12, 13, पांच में से चार मार्क्स, 13 बच्चों को, 13, और उधर कितना था? 21।
मतलब ये भी अच्छा खासा नंबर हो गया 13 and 21, 20, 10, 30, 34 बच्चे चार बच्चे, तीन चार बच्चों को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तीन तो होंगे ही। कोई ऐसा बच्चा है जिनको तीन से कम मार्क्स आए हैं? एनीवन? ईमानदारी से बताना बच्चों, डरना नहीं। तन्मय कापड़नेस, अभिजीत गायकवाड़, तीन से कम आए हैं? नहीं सर, फोर है। अच्छा फोर है, ठीक है। तीन से कम वाला कोई? तीन से कम वाला कोई नहीं है, मतलब बहुत बढ़िया, मतलब दो मार्क्स में तीन तो कम से कम सही है। चलो बच्चों, बड़ा अच्छा लगा, मोर देन 50% बच्चों ने पांच में से पांच लाए, दैट्स गुड साइन। स्टिल किसी को दिक्कत हो तो तुम पूछ सकते हो, नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो, सर यहाँ पे डाउट है, एक बार पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, वीडियो देख लेना। बच्चों मैं आगे बढ़ूं क्या? सर नेक्स्ट लेक्चर भी है सर, नेक्स्ट लेक्चर है अभी थोड़ा। नेक्स्ट लेक्चर कितने बजे से? मेरा भी लेक्चर है 5:45 ना। अच्छा 5:45 हां।